370 किलोमीटर हम मध्य प्रदेश में चले, उससे पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र से ये यात्रा निकली और अब राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जाएगी और फिर श्रीनगर में हम ये जो तिरंगा है उसको लहराएंगे। ये जब हमने ये यात्रा शुरू की तो काफी लोगों ने हमें कहा, बातचीत हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, तो काफी लोगों ने कहा कि देखिए इस यात्रा को गाड़ी में करना चाहिए। दिग्विजय जी हैं यहां पे, उनको याद होगा जब दिग्विजय जी और बाकी लोगों ने कहा कि इस यात्रा को गाड़ी में करना चाहिए, तो मैंने कहा अगर आप यात्रा को गाड़ी में करवाना चाहते हैं तो मैं आपका आदमी नहीं हूं, फिर आपको किसी और से करवानी पड़ेगी। अगर यात्रा पैदल करनी है तो फिर मैं यात्रा करने के लिए तैयार हूं। और इसके पीछे मेरी सोच थी सोच ये थी कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जो हमारे राजनेता हैं, और मैं सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, जो हमारे राजनेता हैं उनके बीच में और जनता के बीच में बहुत दूरी हो गई है। राजनेता कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, हमारे तरीके से उड़न खटोला बोल दो उसमें, उसको उड़न खटोले में आते हैं, कभी गाड़ी में आते हैं। और मैंने सोचा कि 21वीं सदी में अगर हिंदुस्तान को समझना है, हिंदुस्तान के किसानों से बात करनी है, उनकी इज्जत करनी है, युवाओं की इज्जत करनी है, मजदूरों की इज्जत करनी है, तो पैदल चलने की जरूरत है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की आम जनता सड़कों पे चलती है वैसे ही हमें करना चाहिए। काफी लोगों ने उस समय कहा कि नहीं, बहुत लंबा है, 3,700 किलोमीटर है, मुश्किल हो जाएगी, कैसे चला जाएगा। हमने कहा नहीं, हम रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं, चला जाए तो चला जाए, नहीं चला जाए तो रुक जाएंगे। और हम सब यात्रियों के साथ कन्याकुमारी से निकले। और आमतौर से क्या होता है, अगर लंबा सफर होता है तो शुरुआत में थकान नहीं होती, और जैसे आगे बढ़ते जाते हैं थकान बढ़ती जाती है। आप लोगों ने सफर किए होंगे, आपको ये मालूम है। मगर इस सफर में बड़ी अजीब बात हुई, जो शुरुआत में थकान थी वो कम होती गई। और ऐसा समय आया, मैं दिवाली के लिए घर गया, वहां पे मैं अपने घर में पलंग पे लेटा हुआ था और सुबह उठा और मैंने सोचा कि भाई मैं तो वापस अपने कंटेनर में जाना चाहता हूं, यहां मुझे ठीक नहीं लग रहा। और आप यात्रियों से पूछेंगे तो 8 दिन में हमारी एक ब्रेक होती है, आप उनसे पूछिए, उस दिन कहते भैया आज मजा नहीं आ रहा, हमें चलना है। और अगर आप देखें तो वहां पे जहां हमारा कॉम्पाउंड होता है वहां पे आगे पीछे चलते रहते हैं। ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम जो आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। और आपने आपने अपने मोहब्बत देकर, अपना सपोर्ट देकर हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है। पता ही नहीं लग रहा, मैं आपको बता रहा हूं। आज कमलनाथ जी, मैं बता देता हूं, आज इनको बुखार है, बुखार है, दवाई खाएं। आज इन्होंने मुझे सुबह बोला कि मुझे 101 बुखार है। मैंने कहा रेस्ट ले लो, कहते नहीं, आखिरी दिन मैं भी चलना चाहता हूं, मैं रेस्ट नहीं लूंगा, मैंने दवाई खा ली। और देखिए अब मुस्कुरा रहे हैं। और ये सिर्फ कमलनाथ जी की बात नहीं है, ये सारे सारे के सारे हमारे नेता हैं। 370 किलोमीटर हमारे सब नेताओं ने चला है, और आपसे बहुत सीखने को मिला है। किसानों से बात हुई, किसानों ने हमें पूरा पूरा समझाया। कपास के किसानों ने, सोया के किसानों ने, लहसुन के किसानों ने, सब ने उनकी जो मुश्किलें हैं, उनका जो दर्द है, गहराई में घंटों हम सुने, गहराई में बारीकी से उन्होंने हमें समझाया। बीमा का पैसा डालते हैं, प्राइवेट कंपनी को पैसा दिया जाता है, तूफान आता है, बारिश हो जाती है, खेत बर्बाद हो जाता है, कंपनी का कोई नहीं मिलता। ये देखो, इनका बीमा नहीं मिला। तो ऐसे आपका नाम क्या है, पाटीदार जी, जैसे हजारों लोग इन सड़कों पे हमसे मिले, इन्होंने ये कहा। देखिए मैं आपसे पूछता हूं, आपको जो यहां किसान खड़े हैं, आपको सोयाबीन के लिए सही दाम मिलता है? ये देखो, फर्टिलाइजर के दाम, खाद आपको आसानी, यूरिया आपको आसानी से मिलता नहीं, यूरिया के दाम बढ़ गए, हां। तो ये सब आपने बारीकी से हमें समझाया। युवाओं से बात हुई, युवा कहते हैं हमने इंजीनियरिंग की, कोई कहता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी, मैंने ये प्रोग्रामिंग सीखी, मैंने वो प्रोग्रामिंग सीखी, कंप्यूटर को चलाना सीखा। अच्छा अब क्या करते हो? अब मैं मजदूरी करता हूं, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये सारे के सारे आज के हिंदुस्तान में मजदूरी कर रहे हैं। तो ये हालत है सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, हिंदुस्तान की। और जो बीजेपी की पॉलिसीज हैं वो डर पैदा करती है, समाज में डर पैदा करती है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गलत जीएसटी हो, चाहे वो कोविड के समय की पॉलिसीज हो, इनका लक्ष्य समाज में, किसानों के दिल में, छोटे व्यापारियों के दिल में, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों के दिल में, युवाओं के दिल में डर भरने का है। क्योंकि वो उस डर को नफरत में बदलते हैं। जिसके दिल में डर नहीं है उसके दिल में नफरत पैदा हो ही नहीं सकती। आप देख लो, जिसके दिल में डर नहीं होता, और हमारी यहां माताएं बहनें हैं, ये इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगी। देखिए आप मुस्कुरा रही हैं। जिसके दिल में डर नहीं होता उसके दिल में नफरत पैदा नहीं हो सकती। तो नफरत के लिए इनको डर की जरूरत होती है, और इनकी सारी की सारी पॉलिसीज इस डर को पैदा करने के लिए की जाती है। क्यों करते हैं मैं बता देता हूं, क्योंकि ये जो आपका धन है, किसानों का धन है, जो आपकी शिक्षा में जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, अस्पतालों में जाना चाहिए, वो आपसे छीन कर इनके सबसे बड़े उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। मार्केटिंग वो लोग करते हैं। ये जो हमारे प्रेस के मित्र हैं आज दिख नहीं रहे मुझे, कहां गए वो? ये देखिए यहां बैठे हैं, आज इनसे इनसे मिला, मजाक हो रही थी,
मैंने इनसे कहा, देखिए आप ये मत समझिए कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूं। मैं कहता हूं मीटिंग में, कभी कभी कहता हूं, जैसे शुरुआत में मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्रों, फिर मैं कहता हूं प्रेस के मित्र हैं मगर हमारी बात तो कभी दिखाते नहीं, तो कैसे मित्र हैं? टीवी पे हमारी हमारी बात नहीं आती, हम मनरेगा की बात करते हैं वो नहीं दिखाते, हम नोटबंदी के बारे में बोलते हैं वो नहीं दिखाते, गलत जीएसटी के बारे में बोलते हैं वो नहीं दिखाते। तो मैंने इनसे कहा, देखिए आपकी गलती नहीं है, मैं जानता हूं कि आपके पीछे लगाम लगी हुई है, जैसे जैसे ये आपको, जैसे ये आपको पकड़ रखा है, आपको छूट नहीं देते हैं, जो आपके दिल में है, जो आप बोलना चाहते हो आपको अलाउ नहीं करते। तो मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं जिन लोगों ने आपके पीछे लगाम लगा रखी है उन पर सवाल उठा रहा हूं। तो हम पार्लियामेंट में बात उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं, माइक ऐसे ऑफ कर देते हैं, बोलते जाओ जितना बोलना है कुछ नहीं। देखो मैं दिखाता हूं आपको पार्लियामेंट में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। तो अब पार्लियामेंट का रास्ता बंद कर दिया, जो भी उसमें भैया जो भी बोलो, जो भी बोलना है जितना भी बोलो मजे ले लो। देखो आवाज ही नहीं आती, तो मीडिया का रास्ता बंद, पार्लियामेंट में विधानसभा में माइक बंद। तो हमने कहा चलो सड़क को तो बंद नहीं कर सकते, तो इसलिए हम 3,700 किलोमीटर सड़क पे चढ़े चले आपको बताने कि ये जो नफरत फैलाई जा रही है इससे देश को नुकसान हो रहा है, ये जो लोगों को डराया जा रहा है, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को डराया जा रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है इससे देश का नुकसान हो रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है इससे देश का नुकसान हो रहा है। और जब हमने ये बात उठाई, आपने ये बात बहुत अच्छी तरह समझी और आप इस यात्रा में सबके सब शामिल हो गए, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब हम यहां से मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, आपने पूरा प्यार दिया, मदद की हमारी, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, कांग्रेस वाले कोई नहीं भूलेंगे। और आखिरी में मैं आप तो हमारे जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इस यात्रा की मदद की, आप हमारे साथ चले, आपको भी कष्ट हुआ, आपको भी धक्के लगे, आपका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।